संजू, कैप्टन सर नंबर वन बाहर क्यों नहीं निकल रहा है? निकलेंगे, वेट कर। कहाँ लेके जा रहे हो? Give it there! तुमको मैंने पहले भी कहा था, कोई भी मेरे कैबिन में कदम नहीं रखेगा। तुम लोगों को इसकी पनिशमेंट मिलेगी। Come out, come! Boom! Come on, fast, come on! Boom! Boom! Come on, stand up! तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम 30 पुशअप्स लगाओगे। बार बार बोलो भी बार। That's enough now. Get up. ऐसी गलती नहीं करना। पार्थो, ये ले, जाकर अंदर से डेकोरेटिव आइटम्स लेकर आ। जा, मैं क्लासरूम में दिखता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो तुम लोगों को पता है ना कि हमें क्या करना है? हाँ। तो चलो लग जा काम पर, भागो। अंजलि, इन पौधों से रूम कितना सुंदर लगेगा ना? हाँ, एकदम हरा भरा। अरे, ये तो कैप्टन सर नंबर वन के कदमों की आवाज लगती है। हाँ यार, चुप। बच गए। देख ले, कोई है तो नहीं? हाँ, कोई नहीं है। कोई नहीं है। स्टॉप। तुम सब लोग कर क्या रहे हो? और ये कॉफी कहाँ लेके जा रहे हो? वो क्या? कैप्टन सर नंबर वन, हम ये क्रॉकरी किचन में। ओह शट अप! इस समय तुम्हें डॉर्मेट्री में होना चाहिए था। तुमने डिसिप्लिन को तोड़ा है, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। और तुम लोगों की पनिशमेंट है, ब्लैक बोर्ड पे 100 बार लिखोगे कि रात को आगे से हम डॉर्मेट्री से बाहर नहीं निकलेंगे। अंडरस्टैंड? लुक डाउन। Hey, stop! Come here! तुम सब रात को बाहर क्या कर रहे हो? और कहाँ भाग रहे थे? वो टॉयलेट कैप्टन सर नंबर वन। ये सब क्या है? तुमने डिसिप्लिन तोड़ा है, इसकी पनिशमेंट मिलेगी। 50 स्टेप्स लगाओ। लेकिन यस नाउ।
That's enough. इसको जहां से लाए थे वहीं रखो. Pick it up. Go now. चलो ये काम तो हो गया. ये सब लोग कहाँ चले गए? अब तक नहीं आए. लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा. नहीं, कैप्टन से नवान के बर्थडे में मैं पेंसिल से कुछ नहीं कहूंगा. सब कुछ रियल चीजें लाऊंगा. गुड, इसे यहाँ रखो. आओ यहाँ रखो. हम भी बलून्स और डेकोरेटिव सामान लाए. तुम बलून्स फुलाना शुरू करो और तुम ये बनाना शुरू करो. तुम लोग भी लाए. गुड, यहाँ रखो यहाँ रखो. अब तुम भी यहाँ रखो. गुड. अरे तुम भी फुलाओ ना. हाँ, तुम सब डेकोरेशन शुरू करो. तुम भी इनकी हेल्प करो. ये लो. हाँ हाँ, सब लोग लो. वो यहाँ पे बलून. अच्छी तरह से सेटल हो गया है और ये सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है. हाँ, पर केक और स्नैक्स का क्या होगा? डोंट वरी, वो सब मैंने अरेंज कर लिया है. वो कल ठीक जगह ठीक समय पहुंच जाएगा. ओके ओके, चलो चलते. चलो 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 चलो. आप तो कैप्टन से नंबर वन जरूर खुश होंगे. हाँ,
अपनी सरप्राइज बर्थडे पार्टी देखकर उन्हें कुछ होना ही पड़ेगा। आज पहली बार कैप्टन सर नंबर वन हंसेंगे। हाँ। गुड, वेरी गुड। सर त्रिनोत्री, हम सब क्लासरूम में जा रहे हैं। और त्रिनोत्री सर, आप प्लीज कैप्टन सर नंबर वन को वहाँ भेज देना। हैं? हाँ। मैं क्यों ले आऊं? त्रिनोत्री सर, प्लीज आप कैप्टन सर नंबर वन को वहाँ भेज देना। बहुत मजा आने वाला है। हाँ सर, हाँ सर लेकर आएंगे। अभी हम लोग चलते हैं। चलो। हमेशा मुझे फंसा देते। रुको। रिपोर्टिंग कैप्टन सर नंबर वन। यस 303। सर बच्चे इंस्पेक्शन रूम में नहीं है। बच्चे इंस्पेक्शन रूम में नहीं है तो कहाँ है? सर वो क्लासरूम में है। क्लासरूम में? क्लासरूम में वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने रोका नहीं? सर मैंने रोकने की बहुत कोशिश की सर, लेकिन वो नहीं माने। रात को भी वो कमरे से बाहर रहे। इस समय इंस्पेक्शन रूम की बजाय वो क्लासरूम में बैठे हैं। उनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि डिसिप्लिन को तोड़ रहे। देखते क्या कर रहे हैं? कैप्टन सर नंबर वन। ओह शट अप कंपास। कैप्टन सर नंबर वन, सरप्राइज पार्टी देखकर कितना खुश होंगे ना? अरे दो बार खुश खुश नहीं, तीन बार खुश 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 होंगे। हाँ। कैप्टन सर नंबर वन आती होंगे। के परमिशन से ये सब कुछ किया है? किसका प्लान था ये? सामने आओ। किसकी हरकत है ये? नंबर 11। यस सर। आपको पता है इसके बारे में? नो सर, नो नो सर, नो नो। ये सामान कहाँ लेके जा रहे हो? किम इंडिया, तुमको मैंने पहले भी कहा था कोई भी मेरे कैबिन में कदम नहीं रखेगा। तुम लोगों को इसकी पनिशमेंट मिलेगी। तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम 30 पुशअप्स लगाओगे। कमर फाड़, बोलो भी कमर। रात को बाहर क्या कर रहे हो? और कहाँ भाग रहे थे? वो टॉयलेट कैप्टन सर नंबर वन। सब क्या है? तुम सब लोग कर क्या रहे हो? और ये क्रॉकरी कहाँ लेके जा रहे हो? वो कैप्टन सर नंबर वन, हम ये क्रॉकरी
किचन में। Oh, shut up! अब आंखें खोलो। Wow, soft toy. कितना sweet है। I like it. तुम्हें और क्या-क्या अच्छा लगता है? कहानी पढ़ना। आप मुझे कहानी सुनाइए ना। आप मुझे राक्षस वाली कहानी सुनाइए। हाँ, सुनाता हूँ। एक बार एक बहुत बड़ा राक्षस था। उसका एक बहुत बड़ा महल था। महल में एक बहुत बड़ा गार्डन था। गार्डन में बड़े सुंदर-सुंदर फूल थे। लेकिन वो राक्षस बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। जब भी वो राक्षस महल से बाहर जाता था, बच्चे उस गार्डन में आकर खूब खेलते थे। और जब राक्षस महल में वापस आता था, तो बच्चे उसके आने से पहले ही वहां से चले जाते थे। एक दिन वो राक्षस अपने फिक्स टाइम से पहले ही महल में लौट आया। उसने बच्चों को वहां खेलते देखा और कहा कि अगर उसने अगली बार बच्चों को वहां खेलते पाया तो उन्हें खा जाएगा। राक्षस की इस बात से बच्चे इतना डर गए कि उन्होंने गार्डन में खेलना बंद कर दिया। धीरे धीरे गार्डन सूखने लगा। राक्षस ने देखा कि गार्डन के सारे फूल मुरझा गए हैं, घास सूख गई है, अब वहां कोई चिड़िया नहीं। धीरे धीरे गार्डन में बर्फ जमने लगी। राक्षस का पूरा महल बर्फ के कारण ठंडा पड़ गया था। राक्षस को अपना हरा भरा फूलों से लदा गार्डन बहुत याद आता था। राक्षस ने पेड़ों के देवता से पूछा कि यहां अब फूल क्यों नहीं खिलते, यहां हरियाली क्यों नहीं है। पेड़ों के देखते ही कहा क्योंकि अब यहां बच्चे नहीं खेलते। तब राक्षस को समझ में आया कि बच्चे के कारण ही इस गार्डन में हरियाली और खुशियां थी। बच्चों की खिलखिलाहटों में ही असली जीवन का रंग है। राक्षस बच्चों के पास गया और उन्हें गार्डन में खेलने के लिए इनवाइट किया। बच्चे बहुत खुश हुए। जैसे ही बच्चों ने गार्डन में खेलना हंसना शुरू किया, बर्फ पिघलने लगी, पेड़ों पे हरियाली छाने लगी, फूल खिलने लगे। कल रात ये सब मेरे बर्थडे पार्टी की तैयारी में लगे थे। वो सब कुछ मेरे लिए था, मुझे सरप्राइज देने के लिए। इसकी सजा तो मिलेगी। बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स बिगिन द पार्टी। पार्टी शुरू की जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।